गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर स्टैंडर्ड 3 का चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट बाय 1 डिजिट, यानी 3 अंकों का नंबर के साथ 1 अंक यानी 1 डिजिट का नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किए। आज हम 10, 100 एंड 1000 का मल्टीप्लिकेशन यानी कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 10, किसी भी नंबर को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का जो इंड होगा वो 10 से होगा, यानी उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 10 होगा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें यानी 4 × 10 तो इसका वैल्यू क्या होगा, 40। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 10, यानी 10 से ये एंड होता है। यानी और भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में 10 आएगा, जैसे 7 × 10 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 70, यानी लास्ट में आ गया ये 0। इस तरह से अगर हम 11 को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी 11 यानी 110 यानी वैल्यू इसका हो जाएगा 110। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इंड होगा यानी इसका लास्ट डिजिट होगा वो 10 से इंड होगा, जैसे 115 × 10 यानी 150, यानी लास्ट का जो ये डिजिट है ये 10 से इंड होगा। ओके, ठीक इसी तरह से फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का तो ये भी वैल्यू इसका हो जाएगा, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 100 में कितने 0 है, 2 0। तो इसका भी वही रूल है, अगर हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट 0 से एंड होगा, यानी 2 0 लास्ट में आएगा ही, चाहे आप कितना से भी मल्टीप्लाई करो। जैसे देखिए अगर हम इसको 15 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपका रहेगा 15 और ये लास्ट का जो 2 0 है यहाँ पे डाल देंगे यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1500 यानी 15 × 100 15 का वैल्यू 15 डालेंगे और ये जो 2 0 है इस पे 2 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1500 यानी लास्ट का इसका एंड जो है वो 2 0 से हुआ है। इस तरह से जैसे 7 को भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 700 यानी इसका लास्ट का वैल्यू क्या आ गया, 2 डिजिट से एंड कर रहा है यानी 700। इस तरह से और भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 900 यानी 9 में ये लिखेंगे और ये 2 0 इसको हम बैठा है तो वैल्यू कितना आ गया, 900। तो इस तरह से 10, 20 यानी जितना जीरो वाले से आप मल्टीप्लाई करते हो उसका इंड यानी उसका जो लास्ट होगा वो उतना ही जीरो से लास्ट करेगा, या 4 0 यानी 4 0 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 से मल्टीप्लाई करो या 2 0 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसका एंड उतना ही जीरो से होगा। जैसे हम यहाँ 2 0 से यानी 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसका लास्ट देख रहे हैं सम में 100 यानी 2 0 से इंड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब हम 3 0 यानी 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, अब ये वैल्यू कितना आ गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितने जीरो है 1000 में, 3 0
अब किसी भी नंबर को अगर हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का जो नंबर होगा वो 30 से ही एंड करेगा। जैसे 2 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट यानी 2 को हम लिखेंगे ही, इसके लास्ट में ये 30 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से और भी जितनी भी नंबर हो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू वही होगा जो लास्ट में 30 आ जाएगा। यानी ये हो गया 2000, इसका वैल्यू हो गया 4000। नेक्स्ट नंबर देखिए 8, 8 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू आ गया 8000। अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 11000। अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 15000। यानी सब में लास्ट में 30 आ जाएगा, एंड विथ 3 जीरोस। तो ये 10, 100 and 1000 का मल्टीप्लीकेशन था। अब इस पे पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन जाएंगे जो आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। ओके। कर दे।